नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस बार क्या कांग्रेस हिट करने जा रही है भाजपा को, वो भी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी बात करते हैं, खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजों की, तो वो कहते हैं कि हमारी गिनती तो 100 से शुरू होती है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और 20-25 सीटें गुजरात की। 100 तो हम पहले ही झटके में क्रॉस करते हैं, गिनती हमारी 100 से ऊपर होती है। तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है? घोसी उपचुनाव के नतीजों ने ये तो रेखांकित कर दिया, यदि इंडिया इकट्ठा होकर लड़े तो फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री, जिसको कहते हैं, ऐसी विक्ट्री, ऐसी विजय इंडिया के उम्मीदवार खींच के ला सकते हैं, जो घोसी में हुआ। यकीनन समाजवादी पार्टी ने जो मेहनत की, लेकिन इंडिया के बाकी घटक दलों ने, खासकर कांग्रेस, और इंडिया के होने की वजह से जो नॉन जाटो दलित है, उनका जो एक पेनिट्रेशन हुआ है समाजवादी के साथ, उसका नतीजा था कि 60% तक मतदान समाजवादी को वहां पहुंच गया। अब एक बड़ी रणनीति पे यदि बात करें तो कांग्रेस के कार्यालय में ये चर्चा भी बहुत ज़ोरों से है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी का एक दलित फेस है, कर्नाटक में दलित वोटों ने इकट्ठा कांग्रेस के पीछे खड़ा होकर भारी बहुमत, भारी विजय, बहुमत की विजय कर्नाटक में कांग्रेस को दिलवाई, क्या खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं? वो अपनी पारंपरिक सीट कर्नाटक से भी चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी इस पर ज़्यादा छींटाकशी नहीं कर सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी पहली बार लड़े तो गुजरात के अपने पारंपरिक सीट से भी लड़े थे और बनारस से भी लड़े थे। तो यदि खड़गे उत्तर प्रदेश से लड़े तो क्या सिनेरियो हो सकता है? यदि आज का राजनीतिक परिदृश्य देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इटावा या बाराबंकी, ये दो सीटें उपयुक्त मानी जा रही हैं। यदि वो इटावा से लड़ते हैं तो मुस्लिम, यादव और दलित, ये डेडली कॉकटेल बीजेपी को लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यदि खड़गे साहब इटावा से चुनाव में उतरते हैं तो आसपास के कई सीटों पे इम्पैक्ट होगा, जहां दलितों का अच्छा खासा मत प्रतिशत है। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा तो स्वयं लड़ेंगे, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, जहां पीएल पुनिया, जो एक दलित फेस माने जाते हैं और एजुकेटेड दलित फेस माने जाते थे, मायावती के मुख्य सचिव थे, वो वहां से चुनाव जीत चुके हैं पहले भी, बदायूं और अलीगढ़, ये जो बेल्ट है ये यादव भी हैं, दलित भी हैं। यदि यादव और दलित इकट्ठा हुए तो फिर वो सोशल इंजीनियरिंग के वो नतीजे हैं जो बीजेपी का सुपड़ा साफ इन क्षेत्र में कर सकते हैं। अक्सर नॉन जाटो दलित जो है वो समाजवादी से इसलिए डरते हैं क्योंकि यादवों का प्रकोप उन्होंने झेला है, लेकिन जैसे ही इंडिया का बड़ा कैनवास उनके सामने आता है तो उसमें समाजवादी एक छोटा क्षेत्र बन जाता है, और फिर इंडिया के बड़े कैनवास पे उन्हें फिर प्रताड़ना की जगह पे कोई ना कोई ऐसा अपना आशा का किरण नज़र आती है जिसमें उनका उत्थान हो। वो स्वयं खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि चुनाव लड़े तो इन 8-10 सीटों पे बड़ा उलटफेर वो करवा सकते हैं। कुल मिला के 20-22% दलित वोट है उत्तर प्रदेश में, उसमें करीब करीब 13% जाटो वोट है, जो मायावती जी का अपना माना जाता है, बाकी नॉन जाटो वोट है। मायावती की भी वोट में चंद्रशेखर, जो युवा नेता उभरे हैं जाटो, उन्होंने भी काफ़ी हद तक सेंध लगाई है, और यदि चंद्रशेखर इंडिया का पार्ट बन के साथ में लड़ते हैं, क्योंकि वो
नगीनाग से सीट लड़ना चाहते हैं लोकसभा की, तो फिर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, खासकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद तक, ये जो बेल्ट है पूरा पश्चिम वाला, इसमें मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं और जाटो भी हैं। नॉन जाटो खड़गे के नाम पे, चंद्रशेखर, यदि यहाँ ताकत के साथ चंद्रशेखर को ताकत मिलती है तो वो ये तमाम क्षेत्रों में चंद्रशेखर एक उलटफेर कर सकते हैं। मायावती पिछले कुछ चुनाव में लगातार पिछड़ रही है, क्योंकि एक नॉन सीरियस लड़ना उनका, और कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने मायावती घुटने टेकते हुए नज़र आ रही है। ये भले ही वो वक्तव्य कुछ दे, लेकिन चुनाव में, खासकर उन्होंने अभी कहा था कि घोसी के चुनाव में उन्होंने तमाम बीएसपी के मतदाताओं को अपील की थी कि आप नोटा पे वोट दीजिए, लेकिन कुल 1700 वोट नोटा पे मिले हैं। यही मायावती की ताकत है क्या? ये सवाल उठता है, क्योंकि मायावती की ताकत 1700 से ज़्यादा है घोसी में, तो क्या फिर नाम जाटव बीजेपी से छुटकारा पाने के लिए क्या कांग्रेस के साथ जाना पसंद कर रहा है या इंडिया के साथ जाना पसंद कर रहा है? समाजवादी को इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये समाजवादी नहीं, इंडिया है। यदि ये कॉम्बिनेशन बना तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जो 80 का दाम वो भरते हैं उसमें बहुत बड़ा छेद होने का चांस है। दूसरे कुछ नेता हैं, जैसे बिजलाल खबरी है जो अभी तक कांग्रेस के वहाँ अध्यक्ष थे, अब अजय राय हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें यदि सम्मानजनक स्थिति में स्थापित करे राष्ट्रीय स्तर पे कहीं, तो फिर बुंदेलखंड जो एरिया है जहाँ उनका वर्चस्व है, खासकर झांसी, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, इन 4-5 सीटों पे वो प्रभाव दे सकते हैं। तो चंद्रशेखर, बिजलाल खबरी और खड़गे साहब, ये 3-4 लोग इकट्ठा हो जाए, समाजवादी का यादव और मुस्लिम जो कांग्रेस और यादव के साथ है, नॉन जाटव जो उनके साथ जाना चाहता है, इंडिया के कैनवास में उसके अंडर आएगा यदि घोसी के हिसाब से हुआ तो, क्योंकि उनका अपना नेता बिजलाल खबरी उनको दिखता है, खड़गे दिखते हैं, जाटव चंद्रशेखर को देखते हैं। ये सारा यदि एक बेहतरीन कॉकटेल हो गया तो ये बुंदेलखंड के भी ये 3-4 सीटों पर इम्पैक्ट कर सकता है। समाजवादी भी कमज़ोर नहीं है, समाजवादी के पास इंद्रजीत सरोज है जो काशीराम के राइट हैंड माने जाते थे, जिनकी संगठन पे बहुत बढ़िया पकड़ थी बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन धीरे धीरे मायावती के राज में वो हाशिए पे आ गए और वो फिर जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। जो केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हारे हैं कौशंबी से, इंद्रजीत सरोज का उसमें अच्छा योगदान था। यदि समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत सरोज, बुंदेलखंड के बिजलाल खबरी, कांग्रेस के चंद्रशेखर युवा नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएल पुनिया, समाजवादी पार्टी का यादव, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट, मुस्लिम समाज, यदि ये मोट बनती है, यदि ये एक नया गठबंधन बनता है तो फिर बीजेपी के लिए नई स्ट्रैटेजी सोचना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बार बार हिंदू मुसलमान के नाम से वो मुसलमानों और दलितों का जो एक गठजोड़ था उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर दलित सम्मान चाहते हैं। वो सम्मान बीजेपी में कम से कम पिछले 5 साल में योगी जी के टाइम पे और अभी योगी जी का जो कार्यकाल है उसमें नहीं मिल पा रहा है। दलित लड़कियों पर लगातार होते अत्याचार, दलितों की हत्याएँ, दलितों का उत्पीड़न चरम पे है। ऐसे में दलित यदि नए गठबंधन इंडिया की तरफ देखेंगे, जो बार बार बीजेपी उन्हें यादवों का डर लगाती है, यदि यादवों को इंडिया के कैनवास पे समा कर दलित उनके पीछे खड़ा हो जाता है तो यादव, मुस्लिम, दलित और खड़गे साहब का तड़का यकीनन उत्तर प्रदेश में एक भूचाल ला सकता है। ये कम से कम एक नया प्लान AICC के हेडक्वार्टर में बनता नज़र आ रहा है। इनमें से कितना आता है,
क्योंकि कांग्रेस में कई बीजेपी के एजेंट भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो बीजेपी के खबरी हो सकते हैं या बीजेपी के लिए काम करने वाले हो सकते हैं, वो अक्सर ऐसे प्लान को डायनामाइट से उड़ा देते हैं, कई गलत सूचनाएं आकाओं के पास पहुंच के। लेकिन अब कांग्रेस में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, वो भी अब देख रहे हैं कि मुखबिर कौन है, वहाँ के एजेंट कौन है जो यहाँ रह के काम करते हैं, जो लगातार पार्टी पे किसी एक चीज़ के लिए दबाव डालते हैं। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को धीरे धीरे हाशिए पे डाल रही है और वो दिखाई देता है। यदि ये प्लान कांग्रेस ने ठीक से इम्प्लीमेंट किया तो उत्तर प्रदेश में जो 80 से शुरुआत होती है वो कहीं 20 से नहीं हो जाए, यही डर बीजेपी को भी है। लेकिन देखते हैं चुनाव की रणनीति, अभी तो चुनाव बहुत 22 तारीख के बाद ही पता पड़ेगा कि चुनाव पहले होते या समय पे। लेकिन बिछात तो बिछी हुई है और हर जगह से नए नए प्लान की खबरें आती है। ये प्लान कुछ अखबारों में भी छपा, कुछ हमारी सूचना भी मिली, और कुल मिला के जब ये प्लान के तहत यदि हम विश्लेषण करें तो इतना बात तो लगता है कि यदि ये प्लान धरातल पर उतरता है तो फिर डायरेक्ट हिट हो गई बीजेपी और हिट करेगा इंडिया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।